आज रात 12 बजे तक का वक्त है तुम्हारे पास। तुम्हें मेरे भाई को किसी भी तरह कन्विंस करना है कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। हमारे पास आज रात 12 बजे तक का वक्त है। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए। सुबह से देख रहा हूँ, क्या हुआ, क्या है तुम्हें, बात क्यों नहीं कर रही हो तुम? मीत, तुम ऐसे जा नहीं सकती, तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। बस थोड़ी देर रुक जा, तन्ने तेरे सारे सवालों के जवाब दे दूंगी। आज रात 12 बजे तक का वक्त है तुम्हारे पास। तुम्हें मेरे भाई को किसी भी तरह कन्विंस करना है कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। अगर तुमने मेरे भाई को डिवोर्स नहीं दिया ना, तो मैं तुम्हारा सच सबके सामने ले आऊंगी। और ये जो तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारी माँ और दादी हमसे रिश्ता होने की वजह से अपनी नाक ऊंची करके घूमती है ना, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इंटेलिजेंट गर्ल, क्या हुआ भाई, क्या चल गया? कुछ ना जी, कोई काम के पेपर्स ना थे, रद्दी थी। फिर तो ठीक है। अब टेंशन ना लो, बेकार के पेपर्स थे। तुमने ये शादी की ना, उसके पहले तुम अच्छी तरह से जानती थी कि तुम्हें हर किसी की नफरत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम पीछे नहीं हटी। अब क्योंकि तुमने गिव अप नहीं किया, उसका नतीजा ये हुआ कि हर किसी के दिल में तुमने अपनी एक खास जगह बना ली, और ये सब तुम्हारी हिम्मत और हौसले की वजह से है। मैं तुम्हें एक नसीहत दूं, देखो, जिंदगी में जब बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए ना, तो उसे टैकल करने के दो ही तरीके होते हैं, एक उसमें भाग लेना और दूसरा उससे भाग जाना। और मीत हुड्डा प्रॉब्लम से भागने वालों में से तो नहीं। प्रॉब्लम को फेस करने के ना दो ऑप्शन होते हैं। पहला कि सामने खड़े होके डट के मुकाबला करो, और दूसरा ऑप्शन बाज जाओ। तो आपके सामने दोनों ऑप्शन है, चुन लो भाई जिसको चुनना है। मैंने ना अपनी खोपड़ी बहुत घुमाई, फिर मेरे दिल में यो बात आई, इब आपने जो करना है ना कर लो। इस बार आपका पाला मीत हुड्डा ते पड़ा है। चुप रही इसका मतलब ये हो ना कि मैं डरती हूँ, इज्जत करती हूँ, पर हर किसी ने इज्जत रासी ना आती। मैं पैसों के साथ बड़ी ना हुई, रिश्तों के साथ बड़ी हुई हूँ। एक बार को मेरी जेब ते ना पैसे फिसल सकते हैं, पर रिश्ते ना, वो भी ऐसा अनमोल रिश्ता जिसे निभाने की कसम मैंने अग्नि के सामने खाई है। इस रिश्ते को तो मैं आखिरी सांस तक निभाऊंगी। मैं प्रण लेती हूँ, अपने फर्ज से कभी पीछे ना हटूंगी, मीत का साथ कभी ना छोड़ूंगी, कभी उसे अकेला ना पड़ने दूंगी। चाहे जो हो जाए, मैं दौड़ू राम ने तलाक ना दूंगी। Oh!
वेरी गुड राम, वेरी गुड। हमको भी कोई बोलो, हमने ही बहुत मेहनत की है। तो फिर अब होगी नेक्स्ट टीम। ओके, सो ताऊजी एंड ताईजी वर्सेस मीत बहन मीत भाभी। यस, हम मन्ने मन्ने ना हतायो गेम खेलना ना। अरे कोई नहीं, चल। नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। बाद में आप क्यों बिजी हैं? मुझे दो कटोरी रबड़ी जो खानी है। राम, अरे कम ऑन कम ऑन प्राजी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन भाभी, कम ऑन। यस यस, कम ऑन डैड, कम ऑन भाभी, कम ऑन। अरे हम लोगों से कहाँ। यस ताऊजी, चलिए चलिए चलिए, उठ जाइए पटाक। चलिए चलिए चलिए। रेडी, तो एक साथ मैच जीता, ये खेल क्या बड़ी बात है। चलो मैं क्या बोल रहा हूं कि हम दोनों बैठ के सिर्फ ये खेल देखें तो कैसा लगेगा? जी बैठ रहे हैं, आइए ना बैठते हैं। देख रहने देते हैं, मन्नी वैसे भी ना आता।
गलत हो गया, मरने जाना चाहिए। मत जाओ मुझे छोड़कर। नहीं पीना है मुझे। अभी एक काम करो, अदरक खिलाओ उसे। दौड़ो राम, ये अदरक खा। मेरे गांव में ना चचा ताऊ को जब नशा हो जाता था तो इससे उतारते थे, तेरा भी उतर जाएगा। ले, नहीं चाहिए। मीत खा ले यार, टाइम नहीं अपने पास, खा ले यार। कुछ नहीं खाना मुझे। मीत यार ऐसा मत कर। मीत, अरे मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपने 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 हाथ। नो नो, तेरी मीटिंग है थोड़ी देर में। थोड़ू राम, नहीं खाना है ना मुझे। कुमार, मीत 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 टाइम नहीं है। मीत खा ले प्लीज, प्लीज प्लीज खा ले मीत, प्लीज। नहीं खाना है यार मुझे, नहीं। इसने उसमें लाना बहुत जरूरी है। अरे उसका एक ही तरीका है। तुम ये क्या करने जा रही हो मी? तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है? ऐसा करके तुम अपने आप को ना सिर्फ मेंटली बल्कि इमोशनली भी कितनी तकलीफ पहुंचाओगे। खुद से पूछो मी, इस घुटन के साथ सारी जिंदगी जी पाओगे तुम? थोड़ो राम ने अगर टेम पे ना उठाया गया ना तो वो पूरी जिंदगी घुटेगा। उसे होश में लाने के लिए भले ही मैं टूट जाऊं पर वो ना टूटना चाहिए। उसने जिंदगी में बहुत सहा है भाभी। किस्मत ने एक बार फिर तेरे जैक्सन मार दिया ना तो सह ना पाएगा वो। और कोई ऑप्शन ना है, मन्ने यू करना होगा। एक बार वो थोड़ा सा होश में आ जाए फिर नींबू पानी अदरक शहद और जो भी नशा उतारने की चीजें होती है ना वो सब खिला पिला के ना उसे मीटिंग के लिए तैयार कर देंगे। और उसमें मैंने आपकी हेल्प लगेगी। प्लीज मीत, प्लीज भाभी। कल सवेरा होते ही तुम दोनों का ब्याह हो जाएगा। सीधा थी, मैंने आज तक आपकी कोई बात टाली है, जो ये टालूंगी। हाँ बहुत आज्ञाकारी हो ना, तो सुनो, ब्याह के बाद तुम दोनों यहाँ पर मुझे नजर नहीं आने चाहिए। मेरे साथ चल।
एक बार फिर से सोच लो मीत, क्या तुम सही करने जा रही हो? मनुष्य दीदी ने मीत का दिल तोड़ा और आज उसे जोड़े रखने के लिए मन्ने दीदी बनना पड़ेगा। दीप, हाँ, टाइम होने वाला है। ये कुछ हमारे प्रोजेक्ट की डिटेल, अगर जरूरत पड़े तो देख लेना। ओके, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज मीत अलावत फ्रॉम अलावत इंडस्ट्रीज। लाइट कैसे चली गई? यू क्यों गया? लाइट कैसे चलेगी? मैंने कुछ करना होगा। तू टेंशन मत ले, मैं देखता हूँ क्या हुआ है। दीप, मीटिंग बीच में बंद हो गई है, जल्दी देखना। मोबाइल हॉटस्पॉट यूज कर लेता हूँ, लेकिन मोबाइल हॉटस्पॉट यूज करूंगा इंटरनेशनल कॉलिंग में तो कॉल ब्लर हो जाएगी। मोबाइल से ट्राई करता हूँ वीडियो कॉलिंग, और कोई ऑप्शन नहीं है। तुरंत लाइट नहीं आई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कार लाइट को क्या हो गया? अब कैसे? भाभी, भाभी क्या कर रही हो आप? वो मेन बोर्ड में ना शॉर्ट सर्किट का लोचा हुआ है, इसलिए पूरे घर की बत्ती गुल हो गई। पूरा बोर्ड चेंज करना पड़ेगा। अभी अगर मेन बोर्ड खराब हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? कार की बैटरी से? हाँ, और उसने ना इन्वर्टर की बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। वो कार की बैटरी से डायरेक्ट बिजली ना आ सकती ना, डीसी को एसी में कन्वर्ट करके बिजली ले आऊंगी। ओए होए, जय माता दी। बिजली, आंधी, तूफान, चाहे जो आ जाए, आज तेरे सपने के आड़े कुछ ना आने दूंगी। सालों के बाद मेरे बेटे का सपना पूरा होने जा रहा था। कितना खुश था मीत, हम सब कितने खुश थे, और देखो उसका सपना टूट जाएगा आज, और उसके साथ साथ मेरा मीत भी टूट जाएगा। मॉम, प्लीज संभालिए अपने आप को। एक बात बताइए, आपकी बहू नजर नहीं आ रही। अगर कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम कोशिश तो कर ही सकती है ना? पर वो तो गायब ही हो गई। बीवियां क्या क्या नहीं करती अपने हस्बैंड्स के लिए, और इसे देखिए, कुछ नहीं कर सकती।
आफ्टर ऑल आप लोगों ने ही उसे भाई के गले बांध दिया था ना. शी इज यूजलेस मॉम, शी इज अ फेलियर. लेकिन मासूम दीपू, फेल तो आज मैं हो जाता. मीत, मीत ठीक है ना बेटा? मॉम, मॉम मैं ठीक हूं. I'm feeling better. आप सबको देखकर मैं समझ सकता हूं कि आप लोग मेरे लिए कितने परेशान थे, बट अब आप लोग राहत की सांस ले सकते हैं क्योंकि मीटिंग हो चुकी है. सच? और वो मीटिंग बहुत ही सक्सेसफुल रही है. अरे वाह. लेकिन ऐसे कैसे बेटा, तेरी तो तबीयत खराब थी ना फिर. मम्मी जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब कुछ मेरे यार मेरी दीप की वजह से हुआ. मेरा दोस्त सही वक्त पर आ गया. इसने मेरा बरसों का सपना, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, मेरे इतने सालों की मेहनत खराब होने से बचा ली. मो इसने संभाला मुझे, इसने मुझे मीटिंग के लिए रेडी किया, इसलिए आज ये मीटिंग सक्सेसफुली हो पाई. थैंक यू. प्राउड ऑफ यू बेटा. आप राजीव दोस्त हो तो ऐसा. थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच. लेकिन ये सब मेरी वजह से नहीं, मीत भाभी की वजह से हुआ है. मीत तुम जानती हो, कभी कभी मैं यूं ही अकेला बैठा होता हूं तो मैं सोचता हूं, उस ऊपर वाले से सवाल करता हूं कि इतनी बड़ी दुनिया, इतने सारे लोग, लेकिन उसके बावजूद भी उस ऊपर वाले ने हम दोनों को क्यों मिलाया? इस मीत का रिश्ता इस मीत के साथ क्यों बांधा? और बहुत सोचने समझने के बाद पता है मैं क्या समझा? मीत मैं ये समझा कि मेरे अंदर एक ज्वालामुखी जिसका लावा मुझे अंदर ही अंदर जलाता रहता है, मुझे तकलीफ देता है, मुझे परेशानी होती है. उस ऊपर वाले ने ना तुम्हें मेरे पास इसलिए भेजा ताकि तुम मेरी मदद कर सको, मुझे मुझे सिचुएशन से निकाल सकूं. मैं ना अब इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता हूं, इस घुटन से बाहर निकलना चाहता हूं. मैं हंसना चाहता हूं, मैं मुस्कुराना चाहता हूं, मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं मीत. लेकिन ये मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है. क्योंकि मीत अगर तुम मेरी मदद करोगी ना तो मैं जीत जाऊंगा. इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी और ये डील डन. और हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब टाइम है मेरी पनिशमेंट का. मैं सॉरी कहना चाहता हूं दिल से, जिस दिल को मैंने बहुत दुखाया. सॉरी जिसे मैंने इतना ह्यूमिलेट किया. सॉरी जिसे मेरी हरकतों की वजह से इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा. जरूरत ना है कि सॉरी जिसे मैंने इतना परेशान किया के लिए मैं तुमसे माफी मांगने. कौन बोला था बंदर की तरह उठक बैठक करने? दिख ज्यादा चोट बढ़ी है ना तो छोड़ूंगी ना. तन्ने क्या हुआ दिखा. ज्यादा ना हंसने की जरूरत ना है. मन ने पता था कि तू नाटक कर रहा है तो मैंने भी ना ऐसी झूठ मूठ का पूछ लिया था बस. अच्छा हाँ, तोते उड़ गए थे तुम्हारे बुद्धू चंद. कोई तोते ना उड़े थे. और ज्यादा ना बकवास ना कर तू, तेरे से तो 2.5 किलो ज्यादा दिमाग लेके घूमती हूँ. तू है ही टूट फूट सिंह तो क्या करूंगी, घबराहट तो होगी. हेलो, कोई टूट फूट सिंह नहीं हूँ मैं. हाँ समझी, अगर छोटी मोटी चोट भी लग जाती ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ देखता भी नहीं मैं उन छोटी मोटी चोटों की तरफ. कोई टूट फूट सिंह नहीं हूँ मैं समझी. टूट फूट सिंह ही है. मैं कोई टूट फूट सिंह नहीं हूँ समझी तुम. तुम मुद्दू चंद हो. तू ना तू रुक, बताती हूँ बचेगा ना. तू रुक तू, मैं कमला फिर तू बता रही हूँ.
मीत, तुम जानती हो उगता हुआ सूरज नई शुरुआत का प्रतीक होता है। ऐसी एक नई शुरुआत मैं भी करना चाहता हूं, सच में। लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वादा करो मुझसे मीत की, चाहे कुछ भी हो जाए, आज के बाद तुम मानुषी का नाम कभी नहीं लोगी। वादा करो मुझसे कि हालात चाहे कितने भी बिगड़ जाए, सिचुएशन चाहे कितनी भी खराब हो जाए, तुम आइंदा मानुषी का रूप लेकर खुद को तकलीफ नहीं दोगी, अपने आप को हर्ट नहीं करोगी। वादा करो मुझसे। जो मैंने वादा कर दिया तो इसको इसके सवालों का जवाब कभी ना मिल पाएगा, और के जवाब पाए बिना इसके अंदर का लावा शांत हो पाएगा? रानी, 2 घंटे हो गए आंख लग के, घर वाले सब जाग गए होंगे। हेलो जी डॉक्टर साहब। जी मैंने मीत अहलावत की सारी मेडिसिन्स चेक कर ली है, उनमें से कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जिसे लेने से पेशेंट को नशा हो। जरूर उन्होंने कुछ ऐसा खाया है जिसमें नशा हो, या कोई ड्रिंक जिसमें कुछ मिला हो। तो मैं देखती हूँ। पीने का तो सवाल ही पैदा ना होता, खाने में कोई कुछ क्यों मिलाएगा? यहाँ तो सब अपने लोग हैं, इसके सब प्यार करते हैं। अरे मीत पुत्र, तुझे नहीं, मीत को बुला रही हूँ, उसे भेज। अच्छा कहीं ऐसा तो ना कि नशे वाली चीज मेरे खाने में मिलाई गई और इसने गलती से खा लिया। माता जी, मेहमानों को कितने बजे बुलाया है? कोई सगे संबंधी रिश्तेदार? कोई ना आने वाला पंडित जी, दूल्हा दूल्हा ना जावेंगे वही बहुत है। आप तो ब्याह की विधि पे ध्यान दो। अनुभा, ए अनुभा, छोरी तैयार हो गई हो तो नीचे ले आ। हे माता रानी, के सपने देखे थे अपनी मनु के ब्याह के, यूं क्यों हो गया? शास्त्रों में लिखा है कि धोबी का गदा न घर का न घाट का, वही हाल हो गया मेरी मनु का। ये मूर्ख पहले अपने बहन के प्यार में कुर्बानी दे बैठी, हरिब अपनी मर्जी ते कुएं में छलांग लगा रही, मारी मन गाय जैसी भोली, इसी की बातों में भी भरमा जाए, इसकी रक्षा करना माता रानी,
मारी मनु का कुछ बुरा ना करना। लाइए दीजिए। ले। अरे इसकी बात नहीं कर रही मम्मी। और क्या चाहिए तने? ओ गॉड मम्मी, आप क्या अपनी बेटी को शादी के मंडप में बिना चुनरी के बिठा देंगी? अच्छा लगता है क्या? मुझे नहीं पता, जब तक मैं सर से लेकर पाँव तक ज्वेलरी में ना लग जाऊं, मैं नहीं करे कोई शादी वादी। ये सारे नखरे छोड़, शुक्र मना तेरी शादी करवा रहे, चल बैठ। एक्सक्यूज मी, तो क्या आप एहसान कर रही है मुझ पे मेरी शादी करा के? और ये शादी ना आप मेरी खुशी के लिए नहीं करवा रही हो मम्मी, इनफैक्ट अपनी इज्जत बचाने के लिए करवा रही हो, ताकि कल को मैं मोहल्ले में बड़ा पेट लेके निकलूं ना, तो आपकी परवरिश पे कोई सवाल ना उठाए। खड़े खड़े टाइम वेस्ट क्या कर रही हैं? जाके मेरे लिए ज्वेलरी लेके आइए। आइए। अनुभा, अरे जल्दी ले आ छोरी ने, सब तैयारियां हो गई, इंतजार कर रहे हैं। जी अभी लाई। जाने दूंगा, मैं अपने डुग्गू को छोड़ के कहीं जाने भी न वाली, घर वालों के साथ बस थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, फटाफट वापस आ जाऊंगी, हमेशा के लिए थोड़ी न जा रही। पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस, पर मम्मा बोल रही थी आप इस घर में वापस कभी नहीं आओगी। उस्ताद मामी आप तो बहुत अच्छी हो, फिर मम्मा आपको क्यों भेजना चाहती है? मुझे आपके साथ गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है, मम्मा बैड है ना। डुगू तू इत बैठ, बैठ। अपनों ते बड़ों के बारे में ऐसे बात ना करते, और वो मम्मी है ना तेरी, तेरे ते कितना प्यार करती हैं, तन्ने नूडल्स बना के खिलाती हैं, पास्ता खिलाती हैं, और मम्मी पापा को प्यार के बदले सिर्फ प्यार देना चाहिए। तू ना बड़ों की बातों पे ध्यान ना दिया कर, तू छोटा है ना, तन्ने समझ ना आता, तो तू आज से बड़ों ने सिर्फ इज्जत देगा। पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। पता ना मासूम जी के दिमाग में इब के नया चल रहा है। उफ, बेबी क्या बात है, तुम तो अपनी बातों में भी इतना धार रखती हो कि अगर तुम्हारा बस चले ना तो सूरज को काट के उसके चार टुकड़े कर दो। मान गए तुम्हें, यू आर टू गुड। आई नो। योले ये सेट। अरे ये क्या दे रही है? पूरा बॉक्स दीजिए ना, और वैसे भी आपकी और दादी की उम्र थोड़ी है ये सब शौक रखने की। गहने सिर्फ शौक के लिए ना रखे जाते हैं, हाड़े वक्त के लिए भी रखे जाते हैं। हाँ तो उसके लिए आपकी लाडली बेटी है ना मीत, कर तो रही है आप लोगों के लिए नौकरी, उसमें दादी और आपका घर का गुजारा तो चल ही जाएगा, तो सिक्योरिटी की क्या जरूरत है। अच्छा ठीक है, ये लीजिए, पूरे 10 ग्राम की चेन है, 50,000 तो इसका बनता है, इसमें आपका और दादी का घर का गुजारा तो हो ही जाएगा, और वैसे भी ना चोर उचक्के घूमते हैं, उनकी नजर ना पड़ जाए। फेरे संपन्न हुए। क्या कर रही हो? सरप्राइज है तुम्हारे लिए।
No cheating. बस थोड़ी देर। विवाह संपन्न हुआ। क्या कर रहे हो? हम नहीं चाहते तुम्हारा सरप्राइज किसी भी तरह ब्रेक हो। चलिए मेरा फोन। इब तो सब घर के बड़ा करीब आ गए हैं। मम्मी दादी ने इन्फॉर्म करने का समय ही ना मिला। मानुसी दीदी तो घर पे ही होगी। बबीता आंटी ने मानुसी दीदी ने देख लिया तो अब क्या करूं? यो कैसे ब्याह हुआ भगवान जी? न बाजा बजा, न घर सजा, न कपड़े, न लत्ते, और वो फोटो वीडियो वाला पिंटू उसने भी ना बुला पाई। अम्मा जी, अनुभा एक काम कर, अपने फोन में इनकी एक फोटो तो निकाल ले, याद तो रहे किसी के ब्याह की। जा लेके आ। फोटो? ओ नो, अगर इन्होंने मेरे साथ फोटो ले ली तो वो सबूत बन सकता है और ये लोग प्रूफ कर सकते हैं कि मेरी इनकी बेटी से शादी हुई थी। मैं फंस सकता हूँ। अवॉइड मारना होगा फोटो को कुनाल। आइए चलिए। छोरी उठ जा। वो बैठे बैठे पैर में झुंझुनी आ गई। पैर सो गया लगता है। कोई ना, बगल में खड़ा हो जा, एक फोटो हो जाएगी, याद रहेगी। अच्छा दादी, मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ? अब तो मैं आप लोग का ही हो गया हूँ। कभी भी खिंचवा लेना मेरे साथ तस्वीर, उसमें कौन सी बड़ी बात। वो क्या है ना, हवन के सामने बहुत गर्मी हो रही है और ऊपर से ये पैर। आप लोग जल्दी फिनिश कीजिए ना। हाँ दादी, पाजी ठीक कह रहे हैं, प्लीज जल्दी खत्म करते ना ये सब। चल बस ठीक है ना, बहुत है दादी। अब आप दोनों बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं। में लिखा है कितना भी पानी पर लठ मारो, पानी कभी बटे ना। तो कितनी भी गलतियां कर ले छोरी, तेरी दादी कभी तुझसे नाराज ना होगी। है तू तो मेरी लाडो है, अपनी दादी के कलेजे का टुकड़ा है। यो क्या कर रही है? अम्मा उठी।